वेलकम टू तरुण आई सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनस और वी वी पैट्स पर एक बहुत सिग्निफिक बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट दी है क्योंकि ये पेपर से ठीक पहले जजमेंट आई है तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक की ई वी एम्स और वी वी पैट्स की बेसिक्स uh, क्या हैं क्यों वो पेपर बैलेट से ज़्यादा अच्छे हैं और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं या क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जो ईवीएम ईवीएम के यूज से रिलेटेड है वर्ल्ड में क्या एक्सपीरियंस है क्या क्या कंसर्न्स रेज की गई हैं और उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं दूसरा इस पर्टिकुलर जजमेंट के ऊपर ही एक मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट आपको जजमेंट uh, का नाम याद रखना है अगर पेपर में डायरेक्ट uh, क्वेश्चन आता है डिस्कस द वेरियस इशूज रेस्ड इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस आस्पेक्ट से रिलेटेड जजमेंट दी थी तो आप इस पर नहीं लिख सकते हैं लेकिन अगर आपको पता हो कि ये जजमेंट किस इशू से जुड़ी हुई थी तो आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करते समय आप इतने कैपेबल तो हो जाते हैं कि आप किसी भी इश्यूज पे कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं तो इस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए हमें इसकी जजमेंट का नाम इनफैक्ट कोई भी सुप्रीम कोर्ट अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट देती है तो वो उसका नाम किस केस में वो दी गई है और इशू क्या था इसको आपको ध्यान में रखना है अगेन इस लेसन में इस लेसन को कवर करने में जो हमारी अप्रोच है कि अलग अलग सिग्निफिकेंट सोर्सेज लाइक एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस इन द हिंदू न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स उसके इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो कुछ भी आज तक छपा है जो डिस्कस किया गया है जो एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन दी है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के ऊपर बताया है वो सब हमने कंपाइल करके इस पर्टिकुलर लेसन में डाला है ताकि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एटलीस्ट दोबारा रिसर्च ना करनी पड़े हाँ आने वाले समय में कोई नए इश्यूज आते हैं कोई नई डेवलपमेंट्स आती है तो आपको अपने नोट्स को अपडेट करना होगा हाँ कुछ सिग्निफिकेंट होता है तो हम इस पर एक नेक्स्ट लेसन भी बना देंगे इस लेसन को आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि इस लेसन के बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्रिलिम से रिलेटेड एमसीक्यूज भी और मेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी तो इसको शुरू करते हैं उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है तरुण आई एस पांच मई को ग्यारह बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है ये स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे प्रीत विहार सेंटर पे कंडक्ट होगा इसका जो मेन बेनिफिट है कि पांच कैंडिडेट्स को 100 परसेंट स्कॉलरशिप दी जाएगी तो आइए इस टेस्ट को दीजिए टेस्ट देने में कुछ भी बुरी बुराई नहीं है तो आप आइए इसको अटेम्प्ट कीजिए आपको ध्यान में रखना है पाँच मई को ग्यारह बजे तरुण आई के प्रीत विहार आ, कोचिंग सेंटर पे आपको ये टेस्ट देना है पांच सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हंड्रेड परसेंट फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी so uh, this particular let's come back to this particular lesson recently uh, supreme court dismissed a petition filed by association for democratic reforms they wanted that we should revert back to the earlier process of paper ballots instead of the electronic voting machines so what were their arguments why they wanted to do so because this is such a major uh, you know uh, this is such a major issue uh, we are using the electronic voting machines for the past 20 to 30 years we have uh, made a lot of investments our scientists our workers have made a lot of effort to develop what the evms are now so, why should we uh, go back to the paper ballots? What were their arguments, and how you, uh, the Supreme Court rejected those arguments? We will discuss in this particular class. So, our aim, our approach is to discuss this particular uh, lesson comprehensively so that you do not have to go to any other source at least for this particular topic. So, uh, we have discussed the introduction first of all the main thing which is uh, the current aspect of this particular lesson what was there in the judgments what were the issues raised and how the supreme court uh, delivered its judgment on the raised issues so uh, we will see those issues and how uh, what were the views of the supreme court on those particular issues a direct question can be asked only on this particular aspect the latest part which was discussed in the Supreme Court. Then we will see uh, the history of adoption of EVMs, uh, when they were first used, when the complete assembly elections were conducted using EVMs only, when they were first used. Uh, at the national level to, uh, to conduct the lok sabha elections when vv pads were introduced what were the reasons for introduction of vv pads uh, uh, and attachment of them with the uh, electronic voting machines we will see all such important facts which, which are very uh, significant as far as the prelims exam is concerned under this particular heading then another important question because uh, we are again and again seeing uh, various uh, concerns regarding the use of electronic voting machines. So, a question can be asked in the mains examination regarding why we are using the electronic voting machines, wh what benefits they have over the paper ballots. So, you have a complete 200 words answer on this particular topics. What are the advantages or disadvantages of electronic voting machines over the paper ballot system? We will see uh, this complete article under this particular heading. Uh, so we will see the advantages of EVMs. We will also see the advantages of attaching VVPAT units with the electronic voting machines. Then what are the challenges? So under these challenges we will see what are the issues uh, time and again raised against the use of EVMs and VVPAD. So we will discuss these two aspects under this particular heading. Then because there are some concerns, there are some issues, so we have to give our, uh, our uh, uh, suggestions how to deal with those challenges so we will uh, see all those suggestions under this particular heading how to address the challenges which are again and again raised against the use of evms so this whole uh, part will be dedicated to answer this particular aspect so we will we have also given the references we have used to create uh, this material then we will attempt some mcqs for the prelims and also some mains related questions as well so first of all we have to see uh, the supreme court judgment on the evms so first uh, thing which uh, supreme court has said that we have to trust somebody we cannot raise suspicious and you know we cannot question each and every authority especially when it is a, when it is an independent constitutional authority तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि उसको इलेक्टोरल प्रोसेस पर उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उसको ई के यूज़ पर इस समय पूरा विश्वास है उनके पास ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिससे किसी भी तरह का सस्पेशन या डाउट हो सो दिस इज़ द फॉर्मोस्ट थिंग और उसने कम्प्लीटली इस बात को रिजेक्ट किया है कि हमें बैलेट पेपर्स पर वापस आना चाहिए सो दिस वॉज द फर्स्ट आस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेकेंडली जो पेटिशनर्स थे उन्होंने ये बोला था कि हमें आ, अगर आपको 100% परसेंट अगर आपको पेपर बैलेट से वापस नहीं आना है तो आप ऐसा कीजिए ई के साथ जो वी वी पैट मशीन्स हैं उनमें जो स्लिप्स जा रही हैं उनकी 100% परसेंट काउंटिंग कीजिए यानी कि दो दो पार्ट्स हैं ईवीएम्स में जितने वोट काउंट हुए वो तो उनका प्रेस एक बटन प्रेस किया और हमें रिजल्ट आ गया पार्टी ए को इतने पार्टी बी को इतने पार्टी सी को इतने और टोटल वोट्स इतने तो पेटिशनर का ये कहना था सुप्रीम कोर्ट में कि आप वीवीपैट यूनिट्स जो हैं उनकी अलग से काउंटिंग कीजिए और देखिए क्या वो मैच कर रहे हैं ईवीएम से इसका आप हंड्रेड परसेंट एनालिसिस कीजिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इस समय हर एक असेंबली सेजमेंट से हर एक असेंबली की कॉन्स्टिटेंसी से कोई पांच ईवीएम मशीन्स को वी पैट की मैनुअल काउंटिंग से चेक किया जाता है कि ईवीएम को बटन दबा के जो हमारे पास डाटा आया उन्हीं के साथ जो वीवीपैट यूनिट्स हैं उनका मैन्युअली काउंटिंग करके जैसे पेपर बैलेट्स को काउंट करते थे वैसे काउंट करके उन दोनों को मैच किया जाता है अगर इसमें कोई गड़बड़ी आती है तो आगे फर्दर डिसीजन लिए जाते हैं लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है आज तक कभी भी इन दोनों में कोई मिसमैच नहीं रिपोर्ट किया गया है तो इसलिए इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको मना कर दिया है दूसरे और रीजंस थे कि अगर आप मैनुअली वीवीपैट के स्लिप्स को काउंट करोगे तो रिजल्ट डिक्लेयर होने में आठ से दस दिन लग जाएंगे और बहुत बड़ी मैन पावर इसमें यूज़ होगी अब ह्यूमंस जो हैं वो अगर आ, पेपर स्लिप्स को काउंट करेंगे तो उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं फिर डिस्प्यूट्स होंगे तो इससे चीज़ें और ख़राब होंगी बजाय सुधरने के रोबर्टनेस ऑफ वी सिस्टम तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वी सिस्टम है आपको ईवीएम से किसी भी तरह का को कोई डाउट है तो हमारे पास वी सिस्टम है हम उससे कुछ सिलेक्टेड ई को चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि पूरे सिस्टम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है या नहीं है अब तक जो भी क्रॉस वेरिफिकेशन की गई है ई और एसोसिएटेड वीवी पैट्स की उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है करीब चार करोड़ से ज़्यादा ऐसे चेकिंग ऐसे वीवी वी पैट स्लिप्स काउंट की गई हैं तो इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वीवी वी पैट सिस्टम बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है पास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है किसी केसेस में अगर दोनों ईवीएम के में जितने वोट्स काउंट हो रहे हैं और वी पैट्स में जितने वोट काउंट हो रहे हैं अगर उसमें मिसमैच आया भी है तो ये पाया गया कि वी पैट्स की स्लिप्स को काउंट करने में ह्यूमन एरर हुआ होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज़ करने से पहले उस पर हम कैंडिडेट्स के सामने कुछ डमी वोट्स देते हैं ये पता लगाने के लिए कि ईवीएम जो है जो हम यूज़ करने लगे हैं वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही ऐसे वर्ड्स को बाद में डिलीट करना होता है लेकिन कुछ केसेस में अगर वो डिलीट नहीं हुए उनकी भी काउंटिंग हो गई तो इस केस में दोनों में ई में और वी में मिसमैच हो सकता है लेकिन इसका पूरे सिस्टम में किसी तरह से एरर क्रिएट करने का कोई रीजन नहीं है सो सुप्रीम कोर्ट का कहना है इट इज़ सैटिस्फाइड विद द रोबर्ट ऑफ वी सिस्टम neutrality of evm microcontrollers so there are some microcontroller chips in the evms the purpose of these microcontrollers uh, they are being used by the uh, election commission officers to upload the symbols and candidates names and other related data so the petitioners were of the view that these microcontrollers can be manipulated and their instructions can be changed so

और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर आप ईवीएम या उनके माइक्रो कंट्रोलर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ करते हो तो देर इज अनऑथोराइज एक्सेस डिटेक्शन मैकानिजम इन एंड ईवीएम सिस्टम अगर आप इनमें कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो यह प्रोसेस एक्टिव हो जाता है और वो पूरी ईवीएम वहीं पर uh, बता देती है कि इससे छेड़छाड़ की गई थी सो इन एस्पेक्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई ये क्वेश्चन uh, थे जो पेटिशनर्स ने रेस किए और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट क्या क्या uh, अपने आर्गूमेंट्स दिए और इस पटिशन को रिजेक्ट uh, किया सो दिस इज व्हाट वाज डिस्कस इन द सुप्रीम कोर्ट आई होप पांच पॉइंट्स आपके पास हैं इनफ मटेरियल है अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस तो ये जो पेटिशनर थे मेनली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की सिविल सोसाइटी है जिसने की uh, डाली थी सुप्रीम कोर्ट में आ, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नई इंस्ट्रक्शंस दी हैं देखिए जब भी पटिश्नर ई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं जैसे 2013 में जब पहली बार ई से रिलेटेड केसी सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पेपर ट्रेल बहुत ज़रूरी है ई एक एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो ये वेरीफाई करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है आ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया वी वी पैट यूनिट्स को ई के साथ जोड़ने का वी वी यूनिट्स में पेपर ट्रेल मिल जाता है अगर आपको डाउट है कि, कि किसी ई से छेड़छाड़ की गई है तो हम कभी भी आ, जो वी वी पैट की स्लिप्स हैं उनको काउंट करके ये पता लगा सकते हैं तो 2013 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने वी वी पैट्स को इंट्रोड्यूस किया उसका रीजन क्या था बिकॉज वी शुड हैव सम पेपर ट्रेल अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स उसके बाद दो जो पिटिशनर्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस गए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक और सिग्निफिकेंट चेंज किया वो चेंज ये था कि हर असेंबली सेजमेंट में से पांच रैंडम ई को चेक किया जाएगा अगेंस्ट द वीवीपैट स्लिप्स ईवीएम में कितने वोट्स हैं किस किस पार्टी को कितने वोट्स गए हैं ये डाटा जो है एसोसिएटेड वी की स्लिप्स को मैन्युअली काउंट करके चेक किया जाएगा कि कोई मिसमैच तो नहीं है और आज तक ऐसा मिसमैच नहीं हुआ है तो ये दो मेजर चेंजेस थे आ, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि ईवीएम की जो परसेप्शन है लोगों में उसको ठीक करने के लिए उनका लोगों में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के थ्रू क्या क्या स्टेप्स लिए हैं तो आपको ये याद रखना है दो में पहली बार जो है वी वी पैट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था वीवीपैट इंट्रोड्यूस करने के रीजन क्या थे उससे ईवीएम और सेफ और ये जो पूरा सिस्टम है और अच्छा पीपल फ्रेंडली क्यों हुआ वो आपको बताना है 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ऑर्डर करा कि पांच असेंबली सेजमेंट में से आ, हर एक असेंबली सेजमेंट में से कोई पांच ई को रैंडमली सिलेक्ट करके उनको वीवीपैट के अगेंस्ट काउंट किया जाएगा तो ये दो चेंजेस तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए हैं अब इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने दो नए एडिशंस किए हैं एक ये कि जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जिनको यूज़ करके ई में अलग अलग पार्टीज और कैंडिडेट्स के सिंबल और उनके नाम और रिलेटेड डाटा डाला जाता है इनको भी अलग से स्टोर किया जाएगा फॉर फोर्टी फाइव डेज अलोंग विद द ई तो ये एक नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने नया फीचर इसमें डाला है ताकि जो पेटिशनर है उनके जो फियर्स थे उनको कम किया जाए दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर कोई कैंडिडेट किसी इलेक्शन के रिजल्ट में सेकेंड या थर्ड आता है तो उसको ये अपॉरचुनिटी दी जाएगी कि वो इन माइक्रो कंट्रोलर्स को आ, चेक करवा सके कि उनमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ या गड़बड़ी तो नहीं की गई है तो ये दो नए एडिशंस हैं रिगार्डिंग द यूज ऑफ ई इन इंडिया तो ये ओवरऑल जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताई गई है आई होप कि इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लिख सकते हो एक क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है कि इस पर्टिकुलर जजमेंट को डिस्कस करने के लिए आपको आ, बोले या वो ऐसे भी कह सकता है कमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि ई जो है बहुत सेफ़ है फिर भी इसके अगेंस्ट अलग अलग इश्यूज़ रेज किए जाते हैं आपका इसके बारे में क्या कहना है सो वी हैव टू गो विद द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अवर कंट्री इसने अगर बोला है कि ये, ये आस्पेक्ट है और विद एग्जाम्पल उसने बताया है तो हमें भी वही लाइन पकड़ के ये सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली हमें अपने बिहाग पे इसको लिखना है कि ई में ये इश्यूज़ रेज किए जाते हैं लेकिन उनके अगेंस्ट ये ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि सही हैं और ई का यूज़ ठीक है दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन द लास्ट टेन इयर्स क्या क्या ऐसे चेंजेस प्रपोज किए हैं ई में जिससे लोगों की परसेप्शन लोगों का विश्वास ईवीएम में बढ़े और जो पेटिशनर्स हैं उनके जो फियर है, उनको एड्रेस किया जा सके तो चार चेंजेस 2013 में वी पैट्स की इंट्रोडक्शन 2019 में पांच ईवीएम मशीन पर असेंबली कॉन्स्टिट्युएसी उनको रैंडमली चेक सिलेक्ट करके चेक किया जाएगा अगेंस्ट द वीवीपैट स्लिप्स और दो नए चेंजेस इस पर्टिकुलर जजमेंट में तो ये दो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी इस पर्टिकुलर सेक्शन से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए ताकि दूसरे बच्चों का दूसरे एस्पायरेंट्स का भी फायदा हो अब एक क्वेश्चन बिकॉज ये जो इशू था सुप्रीम कोर्ट में जो इशू बार बार जा रहा है वो ये जा रहा है कि ईवीएम सेफ नहीं है ये ईवीएम से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों ना हम बैलेट पेपर से वापस चला जाए तो यहाँ पे एक जो मेन क्वेश्चन उठ के आता है जो पेपर में पूछा जा सकता है कि वट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई वी एम्स ओवर द पेपर बैलेट्स तो हमें देखना है सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ बूथ कैप्चरिंग बूथ कैप्चरिंग क्या होता है कि जहाँ पे वोटिंग हो रही है वहाँ जो लोग जिनको वहाँ परमिशन नहीं है वो जाएंगे और रैपिडली दूसरे लोगों के नाम से वहाँ पर वोट डाल देंगे सो दिस इज कॉल्ड बूथ कैप्चरिंग इलीगल वोट बहुत कम समय में डालने को बूथ कैप्चरिंग बोलते हैं ये पूरी तरह से प्रॉब्लम एलिमिनेट हो गई है विद द यूज ऑफ ई बिकॉज इन केस ऑफ ई पर मिनट ओनली फोर वोट्स कैन बी कास्ट ये मैक्सिमम है फोर वोट्स से ज़्यादा एक मिनट में ईवीएम में uh, डाले ही नहीं जा सकते तो अगर बूथ कैप्चरिंग टाइप इलीगल वोट्स वहां डालने की कोशिश भी की जाती है तो बहुत बहुत कम वोट्स ही ऐसे डाले जाएंगे जिससे कि इलेक्शन के रिजल्ट में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब हम पेपर बैलेट्स यूज करते थे डेट बूथ कैप्चरिंग वो टोटली totally एलिमिनेट हो गई है सो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स सेकेंड एलिमिनेशन ऑफ इनवैलिड बोर्ड्स पेपर बैलट्स में क्या रहता था कि अलग अलग पार्टीज के सिम्बल हैं वहां पर आपको स्टैंप लगानी होती है उस पार्टी के नाम के अगेंस्ट या उस कैंडिडेट के नाम के अगेंस्ट जिसको आपको वोट करना है अगर आपसे स्टैंप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई तो ये डिस्प्यूट हो जाता था कि एक्चुअली में जिस इलेक्टर ने वोट डाला है वो डाला किसको है तो इस तरह से बहुत सारे वोट्स जो थे वो इनवैलिड हो जाते थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हमने जो बटन दबाना है हम दो बटन एक साथ तो दबा नहीं सकते हैं तो इस केस में जो इनवैलिड वोट्स हैं वो वो प्रोसेस वो चीज़ एकदम से एलिमिनेट हो गई है अब कोई भी वोट जो है वो इनवैलिड नहीं होता ई के कारण सो so, ये सेकंड मेजर एडवांटेज है अगेन रिडक्शन ऑफ पेपर यूजेज पेपर बैलेट्स मीन्स यूजिंग ऑफ लॉड्स एंड लॉट्स ऑफ पेपर तो उससे एकदम से ये जो यूज़ हो पेपर है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है नाउ ई वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी इतने सारे पेपर्स को लेके जाना फिर उनको लेके आना इन इंडिया वी हैव अराउंड 90 टू 100 करोड वोटर्स तो ये सारा लॉजिस्टिकली बहुत बहुत डिफिकल्ट होता था अब काउंट करना है ईवीएम में आपने एक बटन दबाया कितने टोटल वोट्स हुए हैं किस पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं वो कुछ ही सेकंड्स में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है अदरवाइज पेपर बैलेट से रिजल्ट आने में आठ से दस दिन लग जाते थे उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे इश्यूज़ आते थे तो ये सारी चीज़ें जो हैं ई से ख़त्म हो गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अगेन एक बटन दबाने से आपका कुछ ही सेकंड में सारा रिजल्ट आपके सामने है सारी चीज़ें लाइव चल रही हैं तो ये आ, बहुत कम लोगों की यूज़ होता है ई के केस में अदरवाइज पेपर बैलेट्स में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़े पड़ती है न सिर्फ वोट डलवाने में बल्कि बाद में काउंटिंग में भी तो ह्यूमन्स यूज़ होंगे जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा एरर्स के चांसेस होंगे उतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स होंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं

सो टेक्निकल माल फंक्शंस तो कभी कभी ई मशीन है मशीन के साथ प्रॉब्लम है कि कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है कभी हम जैसे बटन प्रेस करते हैं वो बटन ठीक से प्रेस नहीं हो रहा है ठीक से चेक नहीं की गई या कुछ एरर्स आ जाए तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं ये पॉसिबल है तो जब इस तरह की एरर्स आती हैं तो उससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और जो लोग सस्पिशियस होते हैं वो अपनी सस्पिशन रेस करते हैं जिससे इस पूरे प्रोसेस पर डाउट होता है तो छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस सिस्टम को पूरा फुल प्रूफ करना चाहिए कि किसी तरह की टेक्निकल एरर्स ना आए या तो बहुत बेयर मिनिमम हो सिक्योरिटी कंसर्न्स ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं अनलाइक पेपर एक पेपर पे आपने थप्पा लगा दिया हाँ इस कैंडिडेट को उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कहाँ पड़ी गई पड़ी हुई हैं कहाँ स्टोर हो रही हैं क्या वो किसी तरह से इंटरनेट से या किसी लोकल नेटवर्क से कनेक्ट की जा सकती हैं क्या उनकी मैनिपुलेशन हो सकती है यू नो साइबर क्राइम्स these पीपल आर बिकमिंग so sophisticated with विद द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज nobody knows बॉडी अभी रिसेंटली एक केस हुआ था पेगासस सॉफ्टवेयर इसराइल की गवर्नमेंट की एजेंसी ने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाया और वो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती है इससे इसको यूज़ करके Uh, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसी है वो किसी के भी फ़ोन या कंप्यूटर को हैक uh, कर सकते हैं उसके अंदर क्या क्या डाटा है क्या क्या कन्वर्सेशंस हो रही हैं ई का कंटेंट क्या है वो सब उसको रीड कर सकते हैं तो ऐसा ही सॉफ्टवेयर ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज़ किए जा सकते ई में तो इस और कब कितनी देर तक कई सालों तक ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता रहा जबकि ये पता कई सालों के बाद चला तो क्या ऐसा ई के केस पे नहीं हो सकता बिकॉज दिज आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो ये इशू जो है वो हमेशा रहेगा लैक ऑफ water एजुकेशन अभी भी हमारे देश में जो आ, आ, जो समझ है लोगों को जो इलिटरेसी लेवल है बहुत बहुत ज्यादा है तो हमें वोटर्स की एजुकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवरी ईयर बिफोर इलेक्शन सॉरी नॉट एवरी ईयर बिफोर एवरी इलेक्शन ये बहुत सारे कैंपेन्स करता है ताकि लोगों को वोटिंग मशीन से रिलेटेड एजुकेट किया जाए तो ऐसे जो एस्पेक्ट हैं उसको इलेक्शन uh, कमीशन को और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए ताकि वोटर्स जो हैं दे बिकम यूज्ड यूज टू विद द वोटिंग मशीन दे डोंट शाई अवे इन कास्टिंग देयर वोट्स इफ दे आर बीइंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो उनको वोटर एजुकेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इलेक्शन कमीशन इस पे काम कर भी रहा है इसको और ज्यादा बड़े लेवल पे करना चाहिए ट्रस्ट डेफिश अगेन पेपर बैलेट आपको नजर आता है कि आपने किस पे uh, आपने किस पे किस कैंडिडेट पे स्टैंप लगाई लेकिन दिस इज नॉट द केस विद द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स स्पेशली व्हेन सो मैनी पीपल रेस देयर सस्पिशंस अगेंस्ट द यूज ऑफ ई इन डिफरेंट फॉरम्स तो इससे एक ट्रस्ट डेफिशिट क्रिएट होता है इलेक्शन कमीशन को इस ट्रस्ट डेफिशिट को कम करना चाहिए उसको जो सिस्टम को है और उसमें चेंजेस लाके उसको और यूजर uh, फ्रेंडली करना चाहिए ताकि लोगों में जो ट्रस्ट डेफिशिट है जिस बंदे को उसने वोट डाला है वाकई में उसको गया है इस केस में द इंट्रोडक्शन ऑफ वीवी वी इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि और कंट्रीज में क्या कुछ और बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं जिसको यूज करके हम ट्रस्ट डेफिशिट को और uh, कम कर सकते हैं लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी ये भी इसी एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ट्रांसपेरेंसी का इशू है आपने वोट दे दिया वो काउंट हो गया लेकिन जिसको आपने वोट दिया क्या वही रिकॉर्ड हुआ इसकी एटलीस्ट यूज़र को कोई गारंटी नहीं है अनलाइक द केस विथ पेपर बैलेट्स तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो जो पेटिशनर इन फ्रॉम डिफरेंट सिविल सोसाइटीज़ दे आर द इशू दे आर रेजिंग उसको अच्छे से एड्रेस करना चाहिए तो अगर ये सब चीज़ों को हम एड्रेस करते हैं तो डेफिनेटली ई जैसी कोई आल्टरनेटिव है नहीं इनको आप एज ए ड्रा यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विज ए विज द पेपर बैलेट्स तो क्या सुजेशनस हमें देने चाहिए क्योंकि हमने कुछ नेगेटिव बातें की हैं तो हमें उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने चाहिए इनहेंस्ड सिक्योरिटी मेजर्स आपने कई बार देखा होगा इलेक्शन के दौरान ई जो हैं जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट नहीं होती हैं बहुत सारी न्यूज़ आती हैं ई इस मिनिस्टर के घर में मिली ई इस बंदे के घर में मिली पुलिस स्टेशन में मिली तो ये सारी चीज़ें जो हैं एलिमिनेट करनी चाहिए ई की सिक्योरिटी का और ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम किए जाने चाहिए और आ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं इनको किसी भी तरह से नोइंगली और अन क्या ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं एग्जिस्ट करती है जिससे फ्यूचर में इसको हैक किया जा सके तो इसके सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स इलेक्शन कमीशन को एकदम अप टू डेट रखने पड़ेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी different civil society groups, whatever um, aspects they are raising, whatever issues they are raising against the use of evms, it is a duty of election commission of india to come clean and address those uh, problems so that the uh, trust of the people in the whole electoral system should not be broken. water education and awareness, तो हमें वोटर एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ानी है क्योंकि अभी भी इंडिया में जो वोटिंग देने की परसेंटेज है वो कम है तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो ये सारा प्रोसेस और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा अच्छा होगा कॉन्टीन्यूस इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट क्योंकि वी आर डीलिंग विद समथिंग विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी हैव सो मैनी एडवांसमेंट्स द हैकरस आर यूजिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सारे आस्पेक्ट देखने हैं कि आ, कहीं ई वी एम्स में कोई ऐसा आस्पेक्ट तो नहीं है जो कि वलनरेबल है तो उसको इम्प्रूव करते जाना है ई वी एम्स को आ, हर इलेक्शन से पहले ताकि वो हैकरस और दूसरे माल प्रैक्टिस से ई वी एम को एकदम सेफ रख सके कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग तो जो हमने कुछ इश्यूज देखे कि ईवीएम की काउंटिंग में इश्यूज आ जाते हैं जो पोल से पहले डमी डाटा अपलोड किया गया है या डमी पोल्स वोट डाले गए हैं ताकि ई ठीक से काम कर रही है नहीं काम कर रही इनको चेक करने के लिए तो वो बाद में वो भी काउंट हो जाते हैं जिससे ई और वी में मिसमैच हो, होता है ऐसा ना हो तो जो लोग ई को डील कर रहे हैं जो वर्क फोर्स है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है पब्लिक कंसल्टेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट किसी भी चीज की जो पब्लिक परसेप्शन है सपोज देर इज नो फॉल्ट इन द ईवीएम्स देर इज नो फॉल्ट विद द इलेक्टोरल सिस्टम लेकिन अगर लोगों को यह लगता है कि उसमें कोई गड़बड़ी है उनमें उन्होंने ये इस तरह की परसेप्शन बना ली है ड्यू टू द वेरियस इश्यूज सोशल मीडिया पे आप देखिए ये किसी ने वोट डाला डाला किसी और का था वी वी पैट पर कोई और स्लिप निकल रही हैं या काउंटिंग सेम नहीं आ रही हैं तो इस तरह की जो भी इश्यूज रेज किए जा रहे हैं बाय वेरियस पीपल अक्रॉस द सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए इवन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन इश्यूज़ को टाइमली एड्रेस करें ताकि आ, जो ये जो नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट की जा रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्पेशली अगेंस्ट द यूज ऑफ इलेक्टोरल वोटिंग मशीन उसको एड्रेस किया जा सके तो ये है वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन आपको इसको किसी भी वे में किसी भी तरह के क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुना है प्रीलिम्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं एक तो आ, एक क्वेश्चन हमने क्रिएट किया है आ तो बहुत सारे सकते हैं लेकिन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट एलिमिनेट कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्रिएट करने वाले को वो सीधा एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहा है पूरी तरह से खत्म कर रहा है एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ बूथ कैप्चरिंग क्या यह सही है या गलत है यह आपको बताना है EVMs eliminate invalid EVM से कोई एक सिंगल इन वैलिड वर्ड भी कास्ट नहीं हो सकता है क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है ईवीएम रिड्यूस पेपर यूजेज दैट इज सो ऑब्वियस एंड एलि एलिविएट लॉजिस्टिक चैलेंजेस क्या पेपर ले जाना आ, आ, आसान है या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ट्रांसपोर्ट करना आसान है ये आपको डिसाइड करना है ईवीएम एक्सपेडाइट द काउंटिंग प्रोसेस एंड मिनिमाइज एरर्स ईवीएम से मशीन से ज़्यादा एरर्स आती हैं या कि मैनुअली अगर हम स्लिप्स को काउंट करें बैलेट स्लिप्स को काउंट करें तो वहाँ से एरर आती हैं यह आपको डिसाइड करना है तो आप देखिए इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए एंड यू शुड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद द अदर्स मेन से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको ये जजमेंट क्या थी उसका कंटेंट क्या था वो याद रखना पड़ेगा तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के केस में जो जजमेंट दी है उसको आप एनालाइज कीजिए उसको डिस्कस कीजिए या फिर आपके क्या विचार हैं उस पर आप कमेंट दीजिए दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ई का बैलेट पेपर्स के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं या क्या चैलेंजेस हैं जो अभी भी एड्रेस होने बाकी हैं एक क्वेश्चन ये आ सकता है जो हमने क्रिएट किया है हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू अपहोल्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड डिसमिस द पटिशन फॉर पेपर बैलेट्स रिफ्लेक्ट ऑन द बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी इन इंडियाज डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन हैं जिसमें आपको अपनी सुजेशन अपनी बातें रखनी है इसका आप आंसर लिखिए आई होप इस पूरे लेसन को डिस्कस करने के बाद आप इसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं इस पूरे लेसन को कोई भी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वट एवर वी हैव डिस्कस्ड वी हैव कंपाइल्ड इट इन इन द फॉर्म ऑफ दिस क्लास नोट्स तो ये तरुण आई के स्टूडेंट्स को ये अवेलेबल हैं होल पर्पज ऑफ शेयरिंग सच नोट्स इज टू मेक यूर जर्नी टू द सिविल सर्विसज ईजियर तो जुड़िए तरुण आई एस से ताकि आपको ये सारे रिसोर्स फ्रीली अवेलेबल हों और आप जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को क्लियर करें अगेन आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है पाँच मई को ग्यारह बजे तरुण आई एस के प्रीत विहार सेंटर में हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं पांच स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिनको हंड्रेड परसेंट ऑफलाइन स्कॉलरशिप दी जाएगी तो आप जुड़िए तरुण आइए से पांच तारीख को आइए ग्यारह बजे तक और इस टेस्ट को दीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कीजिए थैंक यू